हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वीडियो। सर दोस्तों, आज की हमारी वीडियो के पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की फ़ी कितनी होती है। तो भाई, पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में जो एमबीबीएस की फ़ी है वो बहुत कम होती है, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो एमबीबीएस की फ़ी है या बीडीएस की जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की फ़ी इतनी कम है कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बीएस प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेते हैं, बीएस केमिस्ट्री के लिए, बीएस फिजिक्स के लिए आप एडमिशन लेते हैं, या इसके अलावा मेडिकल की जो बाकी फील्ड्स हैं, जैसा कि एमएलटी के लिए आप एडमिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन के लिए आप एडमिशन लेते हैं, और नर्सिंग के लिए आप एडमिशन लेते हैं, एमआईटी के लिए आप एडमिशन लेते हैं, तो उनकी जो फ़ी है वो भी बहुत ज़्यादा है जो आप पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के लिए फ़ी देते हैं। इट मीन्स पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में जो एमबीबीएस है वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, मैं आपको कह रहा हूँ। जैसा कि बैकवर्ड एरियाज हैं, जैसा कि भक्कर है, इसमें सरगोधा यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है जो कि अब थल यूनिवर्सिटी की रैंक को पहुंच चुका है, वहाँ वो बहुत ही एक बैकवर्ड इलाका है, वहाँ की जो फ़ी है वो भी एक सेमेस्टर की 40,000 और 50,000 है। तो साल में जो फ़ी हो जाती है एक बच्चे की विदाउट हॉस्टल जस्ट जो यूनिवर्सिटी लेती है वो 1,00,000 तक है। लेकिन अगर आपका एडमिशन हो जाता है, अगर आप इतने लकी हैं आपका पब्लिक मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के लिए एडमिशन हो जाता है, तो आपकी फ़ी किसी भी जो बीएस वाली यूनिवर्सिटी है उससे 3 गुना कम होगी। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में फ़ी कितनी होती है, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो इस साल की फ़ी है वो आपके सामने है। वो कह रहे हैं कि इस साल की जो एमबीबीएस की एनुअल फ़ी है पर स्टूडेंट वो 15,00,000 से 17,00,000 पर एनम होगी, और ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी फ़ी यही है, किसी की 15,00,000 है, किसी की 16,00,000 है, किसी की 17,00,000 है। चंद एक कॉलेजेस हैं जिनकी जो फ़ी है थोड़ी सी कम है, लाइक शरीफ मेडिकल कॉलेज, इसकी जो फ़ी है 14,00,000 है, बाकी कॉलेजेस की फ़ी 15,00,000, 16,00,000, 17,00,000 है। और अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की जो फ़ी है 18,50,000 है इस साल की। और मैंने अपने चैनल पर तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ी स्ट्रक्चर, उनके अंदर एडमिशंस और सारी चीज़ें मैंने बता दी, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फ़ी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस साल 2,00,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एमडी कैट दे रहे हैं, लेकिन जो एमबीबीएस की सीट्स हैं वो वही सेम है जो कि 4,000 हैं। तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब वो जो 4,000 लकी स्टूडेंट्स हैं जिनका पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होता है, वो बिल्कुल फ्री यार एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं। इस चीज़ की मुझे समझ बात में आई जब मेरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुआ, जब मुझे पता चला कि पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस की फ़ी कितनी है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो बीएस प्रोग्राम करवा रहे हैं उनकी फ़ी कितनी है। तो बीएस यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी ज़्यादा है, जबकि पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में जो फ़ी है वो बहुत कम है। तो मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एमबीबीएस फ़ी इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, इस साल की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो फ़ी स्ट्रक्चर है 2K22 की, वो आपके सामने है 40,000 से 60,000 तक। ठीक है, पिछले साल किंग एडवर्ड में टॉप जो मेडिकल कॉलेज है, पब्लिक मेडिकल कॉलेज, वो है किंग एडवर्ड, जिसमें टॉप 400 या 350 स्टूडेंट्स, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, वो किंग एडवर्ड में जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है अपने इलाके का, वो किंग एडवर्ड में पढ़ते हैं, मैंने उससे भी पूछा है, तो वो बता रहा है कि किंग एडवर्ड की जो फ़ी है वो जस्ट 35,000 है, जो ट्यूशन फ़ी है वो 35,000 है, और आपको हॉस्टल ही 35,000 में दे रही हैं। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो वो आपसे जस्ट रूम का 20,000 ले रहे हैं, जिसमें बिल भी आपका, सारी चीज़ें आपकी हैं, और 20,000 पर मंथ आपसे लेते हैं जस्ट रूम का। और पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस आपसे 35,000 लेते हैं पूरे साल का। तो भाई, आपकी रिहाइश भी फ्री और आपकी ट्यूशन भी एक सेंस में फ्री, तो टोटल 70,000 में वो कर रहे हैं एमबीबीएस इन पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस। और अगर हम बीएस यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो तो 1,00,000 तक जस्ट फी ले रहे हैं, बाकी बच्चों का आना जाना, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल के चार्जेस वो अलग हैं। तो यार, ये कितना बेनिफिट है। तो इस साल फ़ी वही, जैसे आप लोग देख रहे हैं, 40,000 तक होगी। ज़ाहिर थोड़ी महंगाई भी बढ़ चुकी है, और वो पिछले साल की बता रहे हैं मुझे, तो इस साल 40,000 या 50,000 आपकी फ़ी होगी ट्यूशन फ़ी, जो पब्लिक कॉलेजेस आपसे लेंगे, और तमाम कॉलेजेस यही फ़ी लेते हैं। और इसके बाद अगर आप एडमिशन फ़ी की बात करें, वो आपसे वन टाइम लेते हैं, जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं, वो 10,000 से 15,000 आपसे लेते हैं।
ठीक है, वो आपने एक्स्ट्रा देनी है एक सेंस में, उसके बाद आपने कभी नहीं देनी। और प्रॉस्पेक्टस फ़ी, अच्छा प्रॉस्पेक्टस आपने लाजमी लेना होता है अगर आपने मेडिकल के हवाले से या आर्मी के कमीशन के हवाले से आपने एग्ज़ाम्स दिए हों आर्मी के लिए, तो वो प्रॉस्पेक्टस देते हैं तो वो आपने लाजमी लेना होता है। ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं लेना, मैं 2-3 टेस्ट दिए थे, मैंने हर बार लिया, अब मेरे ज़रूरत तो नहीं था, मैं कह सकता था कि मेरे पास है। वो कहते नहीं ये मस्ट है, उन्होंने पैसे भी बनाने होते हैं यार। तो प्रॉस्पेक्टस की जो फ़ी है वो 500 से 1000 है, तो ये भी आपसे एक्स्ट्रा ली जाएगी। तो दोस्तों मैं दुआ करता हूँ कि आप उन स्टूडेंट्स में से हों, उन 4000 स्टूडेंट्स में से हों जिनका पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए। यार लास्ट में नहीं, मैं आपको कहूँगा आपको किंग एडवर्ड में हो जाए, आपका अलामा इकबाल में हो जाए, आपका निश्तर में हो जाए, आपका किसी भी यार मेडिकल कॉलेज में, पब्लिक मेडिकल कॉलेज में हो जाए तो बेस्ट है। बेस्ट क्या, बेस्ट इन बेस्ट है, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से पढ़ के आई हैं। थोड़ा सा मैटर करता है कि जब आप किसी को कहते हैं कि मैंने किंग एडवर्ड से पढ़ा है, तो एक सेंस में सामने वाला अगर पढ़ा लिखा बंदा है डॉक्टर है, तो वो कहते हैं यार मतलब कि माशाल्लाह एक अच्छे कॉलेज से ये पढ़ के आया है, बस इतना होता है। बाकी ये नहीं कि वो कोई आसमान से उतर आते हैं और वो बड़े डॉक्टर होते हैं, बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर नहीं होते। ठीक है, पेशेंट को तो पता ही नहीं होता कि आप आया कि ईरान से डिग्री लेके आई हैं, आप वहाँ से अपनी जो डिग्री ख़रीद के आई हैं, आप पाकिस्तान के अंदर आपने प्राइवेट किए, आपने MBBS किए, आपको कितनी सप्लियाँ लगी हैं, आपने 6 साल में किए, 7 साल में किए, कुछ भी पता नहीं होता। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। यही चीज़ मैं आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी बताऊंगा, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ये है कि आप इतनी फ़ी भर रहे हैं तो उसके लिए कोशिश करें कि आप किसी अच्छे कॉलेज में जाएँ जहाँ आपका, वो भी इस वजह से कि वहाँ आप सेव होते हैं। अगर आप नॉर्मल कॉलेजेस की बात करते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं हमने पढ़ना खुद होता है, फिर वहाँ फेल क्यों ज़्यादा हो जाते हैं स्टूडेंट्स? अगर वहाँ 100 तादाद है तो 30 स्टूडेंट्स फेल होते हैं। अगर आप अक्सर सईद की बात करें 150 की तादाद में 10 स्टूडेंट्स फेल होते हैं, तो उधर भी हर किसी ने अपना पढ़ना है, अक्सर सईद में भी अपना पढ़ना है, लेकिन माहौल का फ़र्क होता है क्योंकि ये बहुत टेस्ट लेते हैं, मार कुटाई करते हैं, इतनी मार कुटाई कि अब हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, टेस्ट टेस्ट वर्क वर्क टेस्ट एंड टेस्ट। ठीक है, इतने टेस्ट है कि मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, मैं वीडियोज़ नहीं बना सकता। ठीक है, पूरी रात मैं पढ़ता रहूँ, आज मेरा टेस्ट था। तो ये कंडीशन है, इसीलिए फिर तमाम स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, आप भी उन पासिंग वालों में से आ जाएंगे। अगर आप किसी और कॉलेज में जाते हैं किसी नॉर्मल में, तो चांसेस हैं कि आप किसी फेल वाले स्टूडेंट्स की कैटेगरी में चले जाएं। तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी, अगर आपको पसंद आती है इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।